हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को एडवांस हैप्पी दिवाली। तो आज का ये वीडियो हमारे दिवाली के ऊपर बेस्ड है और आप सब तो अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं दिवाली रिलेटेड कुछ DIY आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारा आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक मिट्टी का दिया लिया है और इसके ऊपर मैंने बेस कलर कर लिया था पहले से ही, और अब मैं इसके ऊपर कलर कर रही हूँ। आप कोई भी आपका मन पसंदीदा कलर कर सकते हैं। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे दियों को कलर कर लिया है। और ये वाला दिया मेरा फेवरेट है, तो इसको भी अभी मैं कलर करूंगी। और ये देखिए, कलर करने के बाद ये कितना सुंदर दिख रहा है। और मेरे पास एक ये पुराना टेराकोटा प्लेट था, तो इसको मैंने ब्लू कलर कर दिया है और पीछे की तरफ ऐसे ऑफ वाइट कलर कर दिया है। और अब इन सारे चीज़ों से हम डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले मैं प्लेट को उल्टा करके रख दूंगी और इसके ऊपर जो ये मिट्टी का बोल जैसा है इसको सेंटर में रख दूंगी, और इसके अराउंड ये जो सारे दियाज हैं सबको रख दूंगी। आप अगर मिट्टी के बोल को थोड़ा सा हाइट देना चाहते हैं तो ऐसे एक ग्लास बोल भी यूज कर सकते हैं उसको थोड़ा सा हाइट देने के लिए। और अब इन सारे फ्लावर्स से डेकोरेट करूंगी। अगर आप ऐसे छोटे वाले फ्लावर रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं। और ये है हमारा दिवाली डेकोरेटिव फर्स्ट आइडिया। और अब बारी है दियों को जलाने की। तो ये देखिए, अंधेरे में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे ऐसे किसी टेबल के ऊपर या फिर किसी रंगोली के बीच में भी इस तरीके से सजा सकते हैं।
तो अब बारी है सेकंड आइडिया की। इसके लिए हम फिर से वही वाला प्लेट लेंगे और इसके बीच में मिट्टी का जो बोल था उसको ऐसे उल्टा करके रखेंगे और इस बार ग्लास बोल को उसके ऊपर सीधा करके रखेंगे और दियो को इस तरीके से अरेंज करेंगे। ग्लास बोल के अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर ये फ्लावर्स। और प्लेट के साइड में हम कुछ आर्टिफिशियल रोज के साथ डेकोर करेंगे। और ये है हमारा दिवाली डेकोरेटिव सेकेंड आइडिया। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, और एक बात, वैसे तो मेरे सारे वीडियोस में मेरी सिस्टर मेरी बहुत हेल्प करती है, पर इस वाले वीडियो का सारा कुछ उसी ने किया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो सारा मेहनत उसी ने किया है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। So all credit goes to her. So दियो को इग्नाइट करने के बाद ये देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा थर्ड एंड लास्ट आइडिया। सो हमें फिर से सेम प्रोसेस में प्लेट के ऊपर बोल रखना है और इस बार जो डिज़ाइनर दिया हमने पेंट किया था उसको इसके ऊपर रख दिया है और साइड में थोड़ा फ्लावर्स डाल के डेकोरेट कर दिया है। और अब प्लेट के साइड में सारे दियों को अरेंज कर रही हूँ। सो हमारा लास्ट दिवाली डेकोरेटिव आइडिया भी रेडी है। और ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दियो को इग्नाइट करने के बाद इसका लुक भी कुछ इस तरीके से आ रहा है।
सो फ्रेंड्स, दिवाली में आप सब बहुत मज़े कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस खाइए और खुश रहिए। और तब तक के लिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले, जो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बार और सभी आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो मेरे सारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड अगेन हैप्पी दिवाली।